अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बड़ों की और बच्चों की सबकी ही फेवरेट खोए वाली कुल्फी। बहुत इजी तरीके के साथ ये घर में बन जाती है और मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी खोए वाली कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं 2 किलो के जितना दूध डाल दूंगी और ये कच्चा दूध है ये इसमें चला जाएगा। और ये मज़ेदार सी खोए वाली कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैं कच्चे दूध का यूज़ कर रही हूँ ताकि क्रीमी सी हमारी कुल्फी बने। और इसको इतनी देर पकाना है कि ये जो दूध है वो आधा रह जाए। इसे मैं हल्की आग पर रखने लगी हूँ और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हल्की आग पर रखूँगी ताकि दूध अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, आधा रह जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली, उसके दाने निकाल लिए, ये इसमें चली जाएंगी ताकि मज़ेदार सा इनका भी फ्लेवर और खुशबू दोनों हमारी कुल्फी के अंदर आए। और अभी इसको बिल्कुल मैं हल्की आग पर रखने लगी हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें जी, दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और इसकी जो बलाई आ रही है वो भी अंदर मैं मिक्स करती जा रही हूँ। और अभी इसको मैं मज़ीद गाढ़ा करूँगी, जितना मैंने दूध डाला उसमें आधा रह जाएगा तो फिर आगे इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी, तो फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, दूध को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया और उसके अंदर मैं आधा कप के जितनी चीनी डाल दूँगी। चीनी का हम कैरेमल बनाएंगे ताकि बिल्कुल ये देखने में बाजार जैसी हमारी कुल्फी बने और टेस्ट भी जो इसका है बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा कैरेमल करने से। और यहाँ पे मैं चीनी के मेल्ट होने का वेट कर रही हूँ और ये जो कुल्फी इतनी टेस्टी बनती जैसे कि हम बाज़ार से लेके खाते हैं। और सबसे जो अहम बात को यहाँ पे ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। और अभी 2-3 मिनट ही लगेंगे तो ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखें जी, जो चीनी है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और 1 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद पकाऊँगी। इसको जलाना नहीं, इस पॉइंट पे आके बहुत एहतियात के साथ इसका कैरेमल बनाना है क्योंकि ये फ़ौरन जल जाती है। और यहाँ पे देखें जी, चीनी का कैरेमल बन गया, ये वाला चूल्हा मैं बंद करती हूँ तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब इस दूध के अंदर ये कैरेमल डाल देंगे और ये डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ये जो चीनी है ये जम जाएगी। और इस पॉइंट पे भी नहीं आपने घबराना, ये फौरन चीनी अंदर जाके ये जो अभी गुटलियाँ इसकी बनेंगी ये साथ ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये दूध भी गर्म है और ये जो कैरेमल ये भी, ये अभी देखें गुटलियाँ नज़र आ रही हैं, 2 मिनट बाद ये सारी मेल्ट हो जाएंगी। और अब आपका घबराना तो बिल्कुल भी नहीं बनता क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए आप मेरी वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आपकी ऐसी बनेंगी, बस आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। इस पॉइंट पे आके आधा कप के जितना इसमें मैं खोए का डाल दूँगी क्योंकि हम खोए वाली कुल्फी बना रहे हैं और क्रीमी सी खोए वाली कुल्फी हमारी बहुत टेस्टी बनेगी घर में और बहुत ईजी तरीके के साथ। और खोया डालने के बाद इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि मज़ीद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। आपके पास खोया ना हो तो आप आधा कप के जितना ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे कि खोए के साथ आ रहा है। और रमज़ान में तो इफ्तारी के बाद वैसे भी आइसक्रीम खाने को और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है, आप लोग इसे घर में बनाएँ बहुत ईजी तरीके के साथ। और यहाँ पे मैं कर दूँगी चूल्हा बंद और ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और जैसे ही ये ठंडा होगा तो हम इसे कुल्फियों वाले मोल में डालेंगे। अभी मैं चूल्हा बंद करके इसके ठंडे होने का वेट कर रही हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, कुल्फियों का जो मैंने बैटर तैयार करके रखा हुआ वो ठंडा हो गया है और यहाँ पे मैंने इस तरह की कुल्फियों के मोल ले लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि आप किस में कुल्फियाँ जमा सकते हैं। अभी मैं इनको सबको फिल करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, सबको मैं फिल करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, सारी ही कुल्फियों को मैंने फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एलुमिनियम फॉइल ताकि इसमें बर्फ जो है वो ना जमे, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर बर्फ जम जाएगी, बर्फ के क्रिस्टल बन जाएंगे।
और इसके ऊपर मैं ढक्कन भी दे सकती थी, लेकिन इसको मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ स्टिक वाली, ताकि इजीली हम इसको पकड़ के खा सकें। तो यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा दी है, इसके अंदर छुरी के साथ छोटा सा कट लगाऊंगी और ये जो स्टिक है ये इसके अंदर डाल दूंगी इस तरह, ताकि पकड़ने में भी हमें आसानी हो और लगे भी बिल्कुल बाजार जैसी। सारी मैं इस तरह बना के रखती जा रही हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, सारी कुल्फियों को मैंने अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब इसे मैं रखने लगी हूँ फ्रीज़र में तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह ये जम जाए। तो फिर मैं आपको 8 से 10 घंटे के बाद दिखाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह के मोल नहीं है, तो यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक डिस्पोजिबल कप, और इसके अंदर ये वाला सारा जो मैंने कुल्फी का मिक्सचर बना के रखा हुआ इसमें डाल दूँगी। इसमें भी उसी तरह जम जाएंगी बहुत अच्छे तरीके के साथ, और ये हर घर में ही तकरीबन होते हैं। इसको मैं अच्छी तरह फिल कर लूँगी और इसके ऊपर भी ऐसी मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा दूँगी, ताकि इसमें भी क्रिस्टल ना बने। और दरमियान एक छोटा सा सुराख करूँगी और इसके अंदर भी इसी तरह मैं स्टिक को लगा दूँगी। इसको भी मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, तो फिर मैं आपको 8 से 10 घंटे के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें, कुल्फियों को फ्रीज़र में रखे हुए मुझे तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं। अब इसे मैं बाहर निकालती हूँ और ज़बरदस्त सी हमारी जो कुल्फियाँ हैं वो तैयार हो गई, जैसी कि हम बाज़ार से लेके खाते हैं बिल्कुल वैसी। और इसको निकालने के लिए एक ग्लास में या कप में थोड़ा सा पानी ले लें। ये जो मैंने डिस्पोजिबल कप के अंदर जमाई थी ये भी आसानी से निकल आएगी। इसको छुरी के साथ यहाँ से काट लेना है, हल्का सा इसको छुरी के साथ ऐसे काटेंगे तो ये देखें, इसको हम प्लेट में रख के खाएंगे। ये देखें, ये भी डिस्पोजिबल कप में से आराम से निकल आएगी। हल्का सा इसको मैंने छुरी के साथ काटा है, ये आराम से निकल आएगी। इसे प्लेट में रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो भड़ी वाली कुल्फी, इसको मैं कट करूँगी और ये तो सबसे पहले मैं खाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनी है और मैं बहुत दफ़ा इसे घर में ट्राई कर चुकी हूँ। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टेस्ट करूँगी मज़ेदार सी क्रीमी कुल्फी, जैसी कि हम बाज़ार से लेके खाते हैं उससे भी कहीं ये मज़े की। और इसे तकरीबन 10-15 सेकंड के लिए रखेंगे तो ये देखें, आसानी से ये कुल्फी बाहर निकल आएगी। हल्का सा इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये देखें बाहर आ जाएगी। और ये देखें, वैसी ही कुल्फी तैयार हुई है जैसे कि हम बाज़ार से नाम लेके लेते हैं कि हमें खोए वाली कुल्फी खानी है। बहुत टेस्टी बनी, आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।